नर्मदा से मलाजगढ़ मार्ग पर से चोडरा धाम में भगवान शिव पताल लोक के पर्वत की गुफा में विराजमान है। यहां गोमुख से निकल रही गुप्त गंगा से भगवान शिव का जलाभिषेक निरंतर हो रहा है। जी हां, कार्तिक पूर्णिमा पर यहां छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र अन्य राज्यों के भी दर्शनार्थी हजारों की संख्या में आज सुबह से ही अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। दर्शनार्थियों द्वारा आज सुबह 4 बजे से ही कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लोगों ने गुप्त जल से स्नान कर दीप जलाकर गुप्त गंगा की पूजा अर्चना की, जो देर रात तक चलेगी। उल्लेखनीय है कि नर्मदा मलाजखंड मार्ग पर जंगलपुर घाट के समीप से चोडरा धाम प्राकृतिक और धार्मिक नजरिए से काफी खास स्थान है। यहां पहुंचने के लिए पहले मां कमलेश्वरी गरगरा माई मामा मा भांजा के दर्शन होते हैं। एक बड़ा मैदान पार करने के बाद 150 फीट पताल लोक सीढ़ी के माध्यम से नीचे जाने के बाद चोडरा धाम डोंगेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। वहां एक कैलाश पर्वत के सामने बहुत बड़ा पहाड़ है जिसके नीचे डोंगेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां पताल गुप्त गंगा से आने वाले जल सीधे गोमुख होते हुए शिवलिंग पर निरंतर जलाभिषेक हो रहा है। जो लोग इस चोडरा धाम के गुप्त जल को अपने घर में ले जाकर विभिन्न रोगों के उपचार के लिए कर रहे हैं, लोग भी दूर हो जाते हैं। यहाँ का जल कई बरस तक डिब्बे में बंद रखने पर भी कहीं खराब नहीं होता। जानकारी के अनुसार यहाँ आए श्रद्धालुओं द्वारा इस मार्ग के 150 फीट नीचे से पहाड़ी की ओर प्राचीन मुंड बुलका मार्ग है, जहाँ कबीर साहिब के दर्शन के बाद वह रास्ते से निकलते हैं जो पताल से सीधे पहाड़ मैदान मेले स्थान तक पहुँच जाती है। कार्तिक पूर्णिमा एवं महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ लगी रहती है। ये जैन मंदिर है ना, वो जय डोंगेश्वर महादेव के नाम से है और ग्राम जंगलपुर में है। लेकिन मंदिर के एक खास है कि यहाँ जैन पानी है ना, और कभी भी रखस डब्बा में रखस या कोई भी चीज़ में, तो एक साल दो साल कितनो दिन तक रखस लेकिन वो पानी खराब नहीं हुए। और ये भी चीज़ है जैन पानी में नहावे ना कि एकदम मतलब शरीर एकदम मस्त लगते, मुलायम लगते पानी नहाए से। और कि ये कह दे कि ये पानी बहुत अच्छा है और भोलेनाथ के जगह है जिन दर्शन करे के काफ़ी बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ जिन प्रकृति है जंगल झाड़ी वो बहुत मस्त है। और यहाँ मेला भरा थे, बहुत भीड़ भरा थे, अलग अलग डहाँ ले जिन देखे ला थे, कई तो कई डहाँ ले विदेशी मन घलोक आ गए यहाँ। कई बार ऐसे जगह कई बार नांग सांप देखे मिल जाते भोलेनाथ के जगह में, लेकिन ये जगह बहुत अच्छा है और देखे लायक है, बहुत जबरदस्त चीज़ है। जय जय भोलेनाथ। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।